कहते हैं समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई, सामर्थ्यवान ताकतवर इनके दोस्त दिखते नहीं है और इनकी ही पूजा होती है। एक तरफ जहां भारत ने यूरोप, रूस, अमेरिका इन सारे देशों को धत्ता बताते हुए और इन्हें समझाते हुए उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है जिस टेक्नोलॉजी के बारे में ये देश ये मानते थे कि इनके अलावे कोई और बना ही नहीं सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ इन देशों के घमंड को एक बड़ा झटका भी लगा है। तो बात करें अपने पड़ोसी दुश्मन चीन की, अचानक ये बॉर्डर पर पहुंच गया, वो भी ऐसे इलाके में जहां दलाई लामा थे। फिर उसके सैनिकों ने क्या किया, डैम चौक में एक बड़ा बवाल मचा। जानेंगे क्या हुआ है मामला, क्यों आए थे चीनी सैनिक और आगे क्या हुआ, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी पिछली खबर में ये बताया था कि दलाई लामा को भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने फोन कॉल करके जन्मदिन की बधाई दी थी। जन्मदिन की बधाई देने के बाद ट्वीट करके बता भी दिया था कि मैंने ऐसा किया है। तब गोबर टाइम्स निकल कर सामने आया था और गोबर टाइम्स ने ये कहा था कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं आपको बता दें, ये जो इलाका है ये इलाका है डैम चौक का इलाका और यहाँ से 200 मीटर दूर में एक कम्युनिटी सेंटर है और इस कम्युनिटी सेंटर में दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जा रहा था और यहाँ पास में ही है इंडस रिवर और इस इंडस रिवर के लगता हुआ गांव है कोयुल। 6 जुलाई को यहाँ पर अचानक गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ आकर रुक गई और इन गाड़ियों से निकले चीनी सैनिक और इन चीनी सैनिकों ने अपने हाथ में लाल बैनर दिखलाना शुरू कर दिया। साथ ही इनके साथ चीनी झंडे भी लगे हुए थे। इस बैनर में हालांकि मंडारिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब आर्मी के लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया कि कौन थे ये और क्या करने आए थे, तो उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया। पर अब इस मामले में जब ज्यादा छानबीन की गई, तब पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो दलाई लामा को फोन किया उसके विरोध में ये चीनी सैनिक प्रोटेस्ट करने आए थे। वैसे आपको बता दें, गोबर टाइम्स कुछ भी कहे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देना, पर फर्क पड़ता है और ये चीज अब उनकी रणनीतियों में दिखने भी लगा है। ये जो स्क्रीन पर इलाके देख रहे हैं, डैम चौक का इलाका हो या गोगरा का इलाका हो, हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, देवसांग का इलाका हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां चीन और भारत के बीच अभी भी तनाव जस के तस है या फिर ये कहें कि तनाव और बढ़ ही गए हैं। सीमा पर दोनों तरफ से मिरर डिप्लॉयमेंट हुई है, यानी कि जितनी सेना इधर है उतनी सेना उधर है, जितने टैंक उधर है उतने टैंक इधर है, बिल्कुल बराबरी की। पर इन सब के बीच में अब एलएसी के पास चीनी सैनिक पहुंच गए। हालांकि ऐसा ही उन्होंने 2019 में भी किया था। बार बार दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है लेकिन ये बातचीत एक डेडलॉक में फंस जा रही है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने चीन के दुखती रग पर हाथ रख दिया है और चीन बुरी तरीके से तिल मिला गया है, उसकी झलक देखने को मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि भारत ने न सिर्फ जितने भी हथियारों के निर्माण होते हैं इस दुनिया में अलग अलग देशों के पास, उन सब में सबसे कठिन टेक्नोलॉजी को न सिर्फ बना लिया बल्कि इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। इस हथियार को तैयार करने में आसानी नहीं हुई है बल्कि कई बार के फेल होने के बाद भारत ने आखिरकार इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर ही लिया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार कोशिश हुआ और फेल हुए तो ये कितना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगा। कई बार नाकाम होने के बावजूद बिना हार माने लगातार इस टेक्नोलॉजी पर काम करते चले गए भारतीय वैज्ञानिक। पर इसके साथ ही साथ कई देशों के भ्रम टूट गए हैं और उन देशों में जितने विकसित देश हैं हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हुए देश हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, यूरोप, जिन्हें ये लगता है कि कोई कठिन टेक्नोलॉजी है, कोई प्राइम टेक्नोलॉजी है तो उसे सिर्फ तो हम ही बना सकते हैं, उनका भी अहंकार बिल्कुल इस मामले में भारत ने तोड़कर रख दिया है। जब कोई युद्ध शुरू होता है तो हर देश सबसे पहले अपने डिफेंस सिस्टमों को अलर्ट में डालता है क्योंकि युद्ध की दिशा और दशा दोनों डिफेंस सिस्टम बदल सकते हैं। अगर डिफेंस सिस्टम उखड़ गए तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। एक बार अगर आपने किसी देश के डिफेंस सिस्टम को बुरी तरीके से तबाह कर दिया तो फिर बच
बचाने वाला ही नहीं रह जाता है। ऐसे में आसानी से बॉम्बर्स बस चला दो और समतल बना दो। बड़ा आसान हो जाता है डिफेंस सिस्टम के गिरते ही किसी भी देश को हराना और युद्ध के नतीजों को बदल देना। अगर आप अमेरिका, रूस, इनके युद्ध टेक्निक को देखेंगे, युद्ध की जब ये रणनीति बनाते हैं तो सबसे पहले ये रणनीति बनाते हैं कि किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को तोड़ना है, ताकि आधा से ज्यादा युद्ध तो वही जीता जा सके। अमेरिका के हर वार में, हर लड़ाई में आप इसी तरह का पैटर्न देखोगे। और ऐसा नहीं है कि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को नहीं समझ रहे हैं, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट भी इस बात को समझ रहे हैं, जिसके बाद भारत काफी समय से उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता था जिसके बल पर दुश्मन देशों के डिफेंस को तोड़ा जा सके। अब इसके लिए खास मिसाइल और उसमें लगी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और वो है एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये जो डिफेंस सिस्टम वगैरह तैनात होते हैं, इनसे रेडिएशन निकलता है। इसी रेडिएशन को भाप कर ये मिसाइलें अपने टारगेट को फिक्स करती हैं और डिफेंस सिस्टम को उखाड़ फेंकती हैं। भारत इसके लिए काम कर रहा था अपनी खास मिसाइल रुद्रम पर, और अब रुद्रम 2 का सफल परीक्षण भारत ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्रम 2 का परीक्षण करने के लिए भारत ने रूस के सुखोई 30 का इस्तेमाल किया है। रूस के सुखोई 30 से इसे लॉन्च किया गया, और 350 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। इसने बड़ी आसानी से रडार को चकमा दिया, और इसमें लगे फिन्स की वजह से जिस तरीके से ये मूवमेंट करती है, इसके मूवमेंट के आधार पर इसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे न तो पकड़ पाते हैं और न ही मार पाते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी से जाकर चाहे वो कोई डिफेंस सिस्टम हो, थार्ड हो, पेट्रियाट हो या फिर S-400 ही क्यों न हो, उसे अपना निशाना बना लेता है। और बड़ी बात यह है कि इसके नए वेरिएंट रुद्रम 3 पर भी जोर शोर से काम चल रहा है, और अब की ये रेंज जो होगी ये 650 किलोमीटर की होगी। और आपको बता दें, अभी जो रुद्रम 2 है उसकी तुलना में ये ज्यादा वजनी होगा, इसका वेट लगभग डबल होगा रुद्रम 2 से। अब भारत इसके इस्तेमाल के लिए जो प्लानिंग कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है चीन के अंदरूनी बीच में जो कई इलाके हैं जहां से वो अपने एयर बेस को, नेवल बेस को या आर्मी को तैयार करेगा, उस सैन्य बेस के लिए खास तौर पर रुद्रम 3 की तैयारी पर बल दे रहा है भारत। अब बड़ी बात यह है कि भारत ने जैसे ही इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, भारत दुनिया के स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है, जहां पर अभी तक सिर्फ ये बड़े बड़े देश ही शामिल थे और कुछ ही देश हैं गिनती के जिनके पास ये पावर थी। वैसे आपको क्या लगता है, दलाई लामा के लिए भारत को और खुलकर सामने आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।